विंग टू माय चैनल बीआरएस टेलीविजन एंड आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू गेम में। तो गाइस स्कारलेट नेक्सस में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस जिसने भी स्कारलेट नेक्सस के बारे में नहीं सुना है, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा। एक्चुअली मुझे भी ज्यादा पता नहीं इसके बारे में, तो मैं ये कहना चाहूंगा एक तरह से ये एनीमे गेम है। तो कहीं ना कहीं इसके एनीमे निकलने वाली, ऑब्वियसली निकली नहीं है, बट सून इन फ्यूचर आई गेस नेक्स्ट ईयर में भी निकलेगी, मे बी इस साल, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि स्कारलेट नेक्सस एक अच्छी गेम है। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने ट्रेलर देखे, जितना मैंने गेम प्ले देखे हैं, वो काफ़ी मुझे देख के स्ट्रॉन्ग लगे हैं। सो आई गेस ये गेम उतनी स्ट्रॉन्ग होगी जितना इसका ट्रेलर कहता है या इसका गेम प्ले, जिसने एब्सोल्युटली खतरनाक गेम प्ले दिखाया है। सो गाइस लेट्स बिगिन, सी कैसा सीन रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस एपिसोड को एंजॉय करोगे, अगर आप करते हो बहुत सही। डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक सब्सक्राइब, परफेक्ट और अपर आप तरीके से। सो गाइस बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आप चाहते हो आई गेस दोनों की स्टोरी सेम होगी, बस आप कैरेक्टर जैसे खेलना चाहते हो वही होगा। आई गेस ये सीन रहने वाला है। सो यहाँ पर देख लेते क्या लिखा है यहाँ पर। क्यों तो सुमेर आ गई, ऑब्वियसली मैंने काफी खतरनाक इसका नाम का भाजी पड़ा कर दिया है। सही है, ओके देखो। ओके तो मैं सोच रहा था कुछ कटसीन आएगा बट नहीं। तो यहाँ पर तीन हेल्थ है, हाना भी इची जो एंड यू तो सुमेर आगे जो कि मैं हूँ एंड मेरे साथ एक और है। तो गाइस मैं दिखा रहा था आपको क्या होता है इसका एबिलिटी, आई मीन जो इसका पावर है वो साइकोकिनेसिस किसको बोलते हैं, बूम जो एकदम बराबर आपको एब्सोल्युटली थ्रो करने की एबिलिटी देता है। सो यार वही चीज़ है यहाँ पर। सो ओके तो इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं, कट सीन क्या कहानी क्या ऑब्वियसली मेरे को आइडिया नहीं। तो मे बी आप डेमो से ये उम्मीद रख सकते हो कि ये बता दे, आई मीन ये दिखाएगी गेम कैसा है, इसका कॉम्बैट आई गेस किस तरह का ये गेम रहने वाला है। तो लेट्स बिगिन सी क्या सीन रहता है। कैप्टन नारुकामी, मे आई आस्क अ क्वेश्चन? You don't have to be so formal. We call each other by our first names in the OSF so we can strengthen our bonds. Most of us don't look our age. Ranks are there just to calculate pay. The OSF only values strength. Remember that. That's the gist of it. So what was your question? Right. Wataru isn't here yet. Wataru is this platoon's operator. He'll direct us from headquarters. My power allows me to communicate telepathically without the system's assistance, up to around 500 kilometers. That being said, it's a lot of work, so join the group. Open your personal port. Team leaders will be Nagi, Yuito, and Sugumi. Each of you, listen to Wataru's orders and move to the designated goal. Try to take down any others along the way. Retreat is allowed if you think you can't handle it. But reach your goal. That's all. Understood. Okay. See you later. Good luck. Okay, तो यहाँ पर कुछ introductory characters जिनके बारे में हाँ एक और बार की तरह info नहीं है मुझे। Okay, तो मुझे यहाँ पर receive brain message कुछ यहाँ पर बताया गया है। Okay, I normally watch the entire play do. Okay, जो भी है। कहीं हम रीड करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर खेलने के लिए आए रे भाई। तो कॉम्बैट यहाँ पर करने का, तो कहीं ये जो मेरी पलटन है किसी टोटली मुझे फॉलो करने वाली है। ओके ठीक है, तो मैं इतना आइडिया कर सकता हूँ कि हम किसी फोर्स में, यहाँ पर ऑब्वियसली जो वर्ल्ड है ये डिस्ट्रक्टेड है, कहीं ना कहीं हम इसको इसका रीजन जो है इस डिस्ट्रक्शन के पीछे उसको हम रुकना चाह रहे हैं। तो आई गेस मैं वही उम्मीद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या इज अ ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन विद वर्चुअल केबल दैट अलाउज यू टू वालर मॉर्गुलिस। ओके समझ गया मैं आई गेस। ठीक है क्लोज द करंट ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल लोग ये लोग अभी भी दे रहे हैं भाई, इन्होंने रोका नहीं है। ओके बंदे आ गए क्या? अवर कर ले बात, कर ले फिर के बात। अच्छा तो ये अभी ये क्या हो गया मेरी पीठ में? तो गाइस मुझे कुछ ओहो कॉम्बैट मैंने ट्यूटोरियल भी किया था, यहाँ पर भी एक देख के बता सकते हैं, बहुत ज्यादा कूल है रे भाई। ओह तो ये टीममेट आई गेस, अभी कुछ मैंने किया आई गेस टैग वाई भी। ओके चलिए गो। हो तो एक तरह से गाइस यहाँ पर आप टीम अटैक भी कर सकते हो साथ में मिलकर, आई गेस वही कर रहा हूँ मैं। उम्मीद कर रहा हूँ एटलीस्ट, अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। ओहो ओके वी गो, बहुत सही।
नाइस, ये बंदा अकेला था एंड खत्म हो चुका है। तो गाइस एक तरह से प्लान की तरह था, मुझे कहीं ना कहीं पता किसकी याद दिला रहा है। अगर ये मॉन्स्टर की बात करो तो मुझे डेविल मैक्राय की याद दिला रहा है। इसका स्वॉर्ड अपने ओ यहाँ पर और भी है बाय द वे, ऑब्वियसली। अच्छा तुम इनसे मैं दो एबिलिटी ले सकता हूँ, ऐसे कुछ सीन हो रहा है। लेकिन उसने मुझे एक एबिलिटी करी और उसने ऑब्वियसली मैंने रीड नहीं कराया था उनसे, उसने मैं शॉर्टली क्लियर बता नहीं पा रहा हूँ। बिकॉज गाइस मैं चाहता हूँ कि ये शॉर्टली गेम प्ले फोकस्ड हो जाए तो मैंने रीड नहीं करी है। ओके भैया एल टी नाइस गाइस फिनिशर है, बूम बेबी आईवीज। हम यहाँ पर ऐसा क्रंची रोल करने वाले हैं, नाइस। अब तक कभी सॉन्ग फील हो रहा है मैं तो बता सकता हूँ। ओ शूट, वहाँ पर मेरे पास मौका था फिनिशर देने का जो कि मैंने दिया। Here we go. Nice and easy. यार यार जापनीज लोग क्या बनाते हैं रे भाई गेम। आई मीन कॉम्बैट उनका हमेशा से कूल रहता है। लाइक अभी तक मैं थोड़ा सा खेला हूँ, बट इतना बता सकता है ये टोटली ओवरऑल इंगेजिंग होने वाली गेम। तो मुझे कहाँ जाना है? ओके वी गो, तो मैं मैप देख पा रहा हूँ। वैसे यहाँ पर और भी एनिमीज है जिनको मैंने मारा नहीं, मैप पे तो मैं देख सकता हूँ उन्हें। क्या सीन है, चलता है। डूड ये भागता भी डेविल मैक राय किधर है? नीरो के अरे ये भी फ्रिकिंग गोरे यार, यार दजे ने गिर रुचा। ओके देखो खत्म करते हैं नीरो को, बूम। ओके ओके टीम वर्क वाला मूव, नाइस। ओ फिनिश है, हियर वी गो क्रंची रोल से, हियर वी गो नाइस खत्म। वो आया और गया यार, मतलब हमने क्रश कर दिया उसको, हमेशा की तरह क्रश कर दिया। ओके हम नीचे आ सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते हम। तो जाना कहाँ है एक्चुअली? मुझे मैप के अकॉर्डिंग मुझे जाना है अपने ऑब्जेक्टिव पे, जो कि जहाँ पर वेट टोटली बंद हो चुका है। ओ शूट, ओ ये रहा, अरे कर ले बात। ओके गाइस यहां पर वे मिल चुका है एंड साथ में बंदे भी मिल चुके हैं रे भाई। तो क्या लिखा है? एलटी टू कंज्यूम द पीक के गॉच एंड अटैक विद स्पेशल ऑब्जेक्ट्स। हा 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 ओके। अच्छा ये चीज तो मुझे पता है। ओ एलिस ठीक है, ओ ये सीन है। ये कूल था गाइस, मैं कवर करने वाला गाइस, देख रहे गए आंखें फाड़ के देखने गए। हियर वी गो एलिस, ओके नाइस, बूम परफेक्ट। तो इससे बोलते हैं रा कॉम्बैट, एक ओवर करते हैं तो ज्यादा ही सेटिस्फाइंग है दैट्स व्हाई एलिस। और वे क्या कर सकते हो, नाइस। ओके फिनिश ऑफ, सेम फिनिशर नहीं है, मुझे लगा सेम रहेगा बट इस बार कुछ और है। क्रशिंग पोटैटो बोलते हैं डूड, भी और ही बंदे यार, इन पे लड़ने का मजा ही कुछ और रहेगा रे भाई। नाइस एबिलिटी मैंने ले लिया एंड यहां पर वाई बी परफेक्ट, तो बूम डिस्ट्रक्शन है। ओके फाइनली हम सीख रहे हैं क्या सीन हो रहा है एक्चुअली इस पर। डिसएंगेज रास, ओके ओह शूट क्या कर दिया मैंने। अबे ये को पहन लिया, से हुड पहन लिया ऊपर। अबे ये क्या सीन है। अच्छा RB to stop using SAS, activating brain drive. Ooh, ये तो ज़्यादा कूल है यार, क्या बनाया इन्होंने? क्योंकि मैंने कुछ किया। ओह शूट, मेरा हुड ऊपर हो चुका है। दोनों कैसे? क्रंची रोल्स 281 का डैमेज, नाइस एंड इजी। तो गाइस ये हुड का मतलब अब एकदम टोटली डिस्ट्रक्टिव मोड में आ चुका है, लाइक फ्रिकिंग ओवरलोड मोड इज ऑन बेबी। है किसी इसका मतलब है? कूल 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 रे भाई। इसको मैं ऑफ कैसे करूं? आई डोंट नो कैसे ऑफ होता है ये। ओके मे बी अगर एक बार हुड ऊपर कर लेता है तो वो नीचे नहीं करता है, मे बी इसका मतलब यही है। ओके अभी अभी हमें और ऊपर जाना है, बिकॉज अभी तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अबे क्या सीन है, मैं अंदर घुस गया, मैं बाहर नहीं आ पा रहा। अच्छा इसलिए नहीं आ पा रहा, समझ गया मैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास एक और सिग्नेचर स्टाइल ले रहे हैं भाई। लाइक मैं बोर नहीं हो रहा बार बार देखे, मैं कितनी बार देख चुका मुझे खुद नहीं पता। बट अभी तक गजा दे सुन दे रही है, फ्रिकिंग रोमांचक रे भाई। कदम है सब आई गेस, यस नहीं 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 दोनों के
साथ जब होता है ना वो टोटल डिस्ट्रक्शन होता है। दोनों के साथ अगर होता है तो परफेक्ट हो रहे भाई। ओके राइस और क्या मैं फिर उधार लेने वाला अपनी एबिलिटी उनसे मैं जैसे हम लेते हैं वी गो दोनों से लेने वाला है नाइस एंड इजी ताकि जो फ्लिकिंग अटैक हो ना भाई वो एकदम सॉलिड हो। ओह एक बंदा भी बचा है बैंड फोर इसका खेल खत्म करते स्टाइल सर क्या कर सकते हो अब मे भी ये कर सकते हो अपने टीममेट ने खत्म कर दिया नो वरी खत्म कर दिया मजा आ गया और मांगता है और कॉम्बैट करना है यार इस गेम का कॉम्बैट को ज्यादा सही फील कर रहा है सही फील हो रहा है करके सो वे कहाँ से ओके वो नाइस वे मिल गया तो हम एक तरह से ऊपर जा रहे हैं बंदे से लड़ रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा अभी तक बंदे से जितना भी लड़े हैं स्टोरी कुछ पता नहीं है बट बंदे से हम लड़े हैं वो इम्पोर्टेंट रखता है अभी तो मजा है एक पटक पटक के फेंकने में मैंने The city is above and below us. It feels like I'm in a VR from a theme park I went to when I was a VR. kid. It used to serve as the connection base to Togetsu. The city infrastructure was destroyed in an other attack about 5 years ago. So what you see is what remains. Togetsu is the stronghold of the Togetsu faith, right? It's kind of like a cult. Don't say that out loud. Kagero is a believer. He was even a priest at one time. What? That guy is a priest? Hey, you do realize I can hear you, right? Don't forget, our platoon's headsets are all connected. Sorry. Nah, don't worry about it. My parents were believers, so I just naturally became a priest. I don't care about the teachings at all. Now that Kikuchiba is like this, you hardly ever see people coming to Suo from the church anymore. What's that drone doing? Damn, they found us even though we were jamming them. Crows, Captain. So they sniffed us out. Look alive, everyone. Crows? And the press. Guys, the crows will make a big deal out of this. Let's make it exciting. Okay, तो यहाँ पर क्रो आ रहे हैं तो उसके बारे में क्या ये ब्रेन मैसेज आया मुझे कुछ नाइस okay. ब्रेन मैसेज They're pretty but kind of scary. Yeah, it's like they're looming up there. तो कहीं यहाँ पर क्रो की बात चल रही है तो क्रो यहाँ पर हम पे अटैक कर रहा है आई गेस जो भी है मैं अभी तक कुछ समझा नहीं क्या चल रहा है बट ये वर्ल्ड सॉरी ये गेम मैं कहना चाहूँगा सॉरी वर्ल्ड में कह रहा था गलती से गेम सही है बहुत ज़्यादा सही है बट क्रोज का मुझे समझ नहीं आया क्रोज आई गेस कोई विलन का ग्रुप होगा आई गेस जो कि ऑब्वियसली अटैक करने आने वाला है अपर लेवल कंस्ट्रक्शन साइट तो आई गेस वही सीन है यहाँ पर जो कह रहे हैं क्रो वॉरियर्स ओके हियर वी गो और फाइट होने वाला है यहाँ पर तो ऑब्वियसली सबसे फेवरेट मेरा ये अपना सॉस एंड इसका खेल करता हूँ एक ही आ गया ओह नो यार अगर विलन अगर हम विलन डिजाइन की बात करो ना मैं कह सकता हूँ गून डिजाइन यहाँ पर इनके पास हेड नहीं है तो हैक ये कौन से वर्ल्ड पे हो क्या इन्होंने इंस्पिरेशन लिए स्वॉर्ड एट ऑनलाइन से अरे नो मान बट आई गेस इन्होंने वीआर बोला तो एकदम दिमाग में किक कर दिया अरे भाई आई गेस मे बी जो भी ओके हमें धीरे धीरे ऊपर जाना है तो अभी तक वही कर रहे हैं कॉम्बैट ऊपर तो गाइस मैं उम्मीद कर रहा हूँ ओह शूट क्या अटैक कर रहा है ये ओके नाइस हियर वी गो क्रशिंग पोटैटो मैं बस एक ही चीज़ कर रहा हूँ चीज़ें उठा के फेंक रहा कुछ भी करूँ ना करूँ चीज़ें उठा के फेंक रहा है मेरे को ओके नाइस फिनिश दूंगा मैं ओह वेरी गो दे दिया मैंने क्रशिंग पोटैटो नाइस अब ये कौन है अबे घोड़ा है तो फिर से बोरिंग अच्छा ओके नाइस ओके मैंने एबिलिटी ले लिया लेट मी गो ओह ये चार्ज करता है व्हाट द फकिंग हेट बोरी अब इसके पास शील्ड है इसका हेड शील्ड वाला ओह शूट मुझे लगता नहीं मैं इसको ऐसे मार पाऊंगा ओहो
No damage? Okay, nice. Instead of taking damage, the effect... I'm okay. इसको लग नहीं रहा है एक्चुअली पॉइजन गेल्स यहाँ पर ये डॉच कर रहा है यहाँ पर चार्ज कर रहा है एंड ये घोड़ा है दिखने में बट ये स्कारलेट नेक्सस का घोड़ा है जो कि बहुत क्वर्की है एंड बहुत कूल कह सकता हूँ मैं नहीं 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 ऑब्वियसली इसका मतलब ये किसके एरिया से निकलना है अगर मैं गलत नहीं हूँ इट्स टाइम सर पे क्या खाया पैड पर ओ एक और है एक और है तीन था लगातार बैक टू बैक यार इसको लटा लटा के खेल रहे हम लोग बहुत परफेक्ट हुआ है ऐसा लग रहा है कितने कितने चीज में टकरा रहा है बंदा बार बार ऑब्वियसली सही में टकरा रहा है ओ भाई साहब गलत हो गया स्कैम हो गया यहाँ पर थैंक यू इसका नाम भूल गया मैं गेम आ गया सर इसको फिनिशर आने वाला है गेस हियर वी गो तो आज फिनिशर लगता था ड्यूड मेरी हेल्थ बहुत कम है मैं जेली कैसे कंज्यूम कर सकता हूँ आई डोंट नो वो क्या वो मेरी हेल्थ है या वो ऑडियो प्लेयर जैसा लग रहा है कुछ प्लेबैक सिस्टम क्या है ये कहीं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा उस गेम में बहुत कुछ ओ शूट मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है आई गेस वो हेल्थी है अगर मैं गलत नहीं लाइक टैं 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 अलर्ट भी आ रहा है ऊपर से खत्म परफेक्ट तो ओके मुझे समझ नहीं आया यार इसको यूज कैसे करते हैं मैं जो कह रहा था टैबलेट इसको अच्छा मेरा हेल्थ फुल हो चुका है ओके ओ आई गेस मैं ऊपर डी पैड से ले रहा था शायद तो कैसा अगर आप ऊपर वाला डी पैड दबाते हो तो आई गेस ही ले लेता है डूड मैं क्या कर रहा था पैड फोड़ ओके नो वरी ऊपर चलते हैं अभी तक हमने एक कटसीन नहीं देखा अभी तक हमने जो देखा है वो गाइस एक ओ शूट ये कौन है ओके अपना कोई इनविजिबल समझता है कोई बात नहीं डूड गायब हो गया ओके देखो मिल गया थोड़ी सेम गायब हो गया I can still fight. Okay, nice. Oh, कर दिया मैंने. Boys, up. बहुत. Guys, बहुत time लग गया इसको मारने में मुझे कहना पड़ेगा. Like obviously ये hard नहीं था ये. जैसे कि मैंने बताया. मुझे tutorial miss नहीं करना चाहिए था. Okay, तो मुझे मिला था वो कोने पे. इधर मिला था boys and girls. काफी गलत हिसाब था यार. क्या मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ यहाँ से कोई वे भी नहीं है अभी तक मिशन ऑब्जेक्टिव पहुँचा नहीं हूँ मैं आई गेस ओके आई गेस इस हम इस लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं गलत नहीं yeah, buddy. I've been using brain talk since I was a cadet, but it still makes me uneasy. Brain talk. सब कुछ इसमें brain related है. Someone might hear everything I'm thinking. That won't happen. It's not telepathy. I can't read other people's thoughts either. Don't worry. Woo! Nice. Close. Okay, तो मैं हेल्थ अपनी बढ़ा सकता हूँ फुल एक और ले लेता हूँ अब ये फुल है एक्स टू परफॉर्म अ टेलीपोर्ट अटैक ऑन एन एनिमी Do you need help? ओके तो यहाँ पर ऐसे काम करता है सिंपल था गाइस एक्चुअली सब कुछ सिंपल ही है इस गेम में बस आपको फोकस करके दिखा रहे हैं दैट्स इट आई गेस पटक 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 फिनिशिंग फ्रिकिंग ग्रुप मूव है रे भाई ओके और किधर है तू मेरी हेल्थ इतनी कम अरे नहीं नहीं भाई कितने लोग हैं बता देख रहे हो बॉयज एंड गर्ल्स सब इनविजिबल है रे भाई मैं साइकोकिनेसिस से लड़ने वाला हूँ इन समय साइकोकिनेसिस मेरी ताकत है रे भाई मेरे को ज़्यादा ही लोग बाय द वे गायब होते हैं ओके
ओके, तो ये एबिलिटी मुझे इस्तेमाल करना था उस टाइम ताकि मैं उसको देख पाता। अभी मैं देख पा रहा हूँ एक्चुअली गाइस, तो ये मुझे पहले कर रहा था बट नहीं, मैं रीड करता ही नहीं हूँ रे भाई। ओके ओ शूट, ओके नहीं, मैंने दे दिया फिनिशिंग। टर्न फ्रिकिंग बोर्ड, परफेक्ट टू ग्राउंड कॉम्बो था रे भाई, गाइस मजा आ गया देख के एकदम, सुभान अल्लाह। अबे डब्बे का मार पड़ा बंदे को। अरे क्या बात है, फूल बना दिया मैंने, लेवल अप लेवल 5। अरे बहुत सही। तो गाइस यहाँ पर ये कुछ कुछ चीज़ें थी जिनको जो आसान बनाती यहाँ पर मेरे लिए। अरे भाई साहब ये लोग कितने कॉमेडी है, आई मीन कॉमेडी नहीं बट यूनिक है एंड काफ़ी फन है इनको देखना। पड़ी और पैन फूड सर पे पड़ी इस पौधे के एक्चुअली। ओके वी गो, ओह शूट मुझे रोल करना था यार। ओके देख गया मुझे वो इनविजिबल वाला बंदा यार, बड़ा गलत है साहब, मैं कहना चाहूंगा सब मिलके मार रहे बहुत कड़क रहे भाई। ओह क्रंची रोल्स ओपी, फूल बन गए यार, क्या बात है, और क्या चाहिए जिंदगी में, इनको फूल बनाना है, हमें यहाँ पर आगे जाना है फ्रिकिंग जिंदगी के। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है, कर ले बात, यहाँ पर कुछ है क्या? ओह नो, ओह शूट, यहाँ पर कुछ नहीं है। क्या हमें उस पार जाना है फिर? अच्छा कुछ बोल रहा है? No sir, Nagi team has nothing to report. Go Yuito. Oh, that's good. You're on my team though, so you didn't need to check in. What are you doing, Nagi? अरे इनविजिबल वाला बंदा है, कर ले भाई, ये इनविजिबल वाला बंदा आता है ना इसके लिए एबिलिटी मेरे पास है रे भाई, जैसे कि बता रहा था कुछ देर मेरे पास, कुछ देर पहले मेरे पास नहीं थी बट राइट नाउ, ओह शूट, खत्म। अबे पैंट पोड़ रुक जा भाई, ओ शूट, अबे 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 बंदे ने सही दिया, भड़काया एकदम। अबे ये लोग अपना पैर वाला मूव देते हैं, पूरा चार्ज किक रहता है। डूड ये इनविजिबल हो भी गया है, हो भी क्यों रहा है ये पता है ये बच नहीं पाएगा। ओ ओ ओ उससे पहले मैं ओ शूट 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 ओ शूट यहाँ पर ही बंदे अब स्कैम हो गया भाई, कर ले बात। ओ घुस गया भाई, नाइस, क्योंकि वो एकदम रोलर किक दे रहा था, पैड फोड़ शूट। अबे यार मेरे को टाइम पे करना था, कितना कूल होता है यार वो। यस टीम फ्रिकिंग कॉम्बो, आई गेस इट्स नाइस। ओके गाइस वन इज डाउन, भाई उनकी हेल्थ कितनी खत्म है यार। भाई साहब सब खत्म है, सब खत्म है, खास करके ये जो है ये नूबड़ा, ओ कर ले बात, अलग ही साफ दे रहा है। मैं भूल गया यार कैसे टारगेट चेंज करता था, मैं सही है भूल गया मैं। ओके नाइस मैं समझ गया, याद आ गया मुझे। ओके मुझे ओह शूट, ओके नाइस मैं कर रहा हूँ उसे जल्दी, ओह ये करने नहीं देगा, ये करने नहीं देने वाला पैन फ्रिकिंग कोड। खत्म है क्या वो? आई गेस वो खत्म है। ओके नाइस, किसी और ने रिवाइव करते हैं, मुझे नहीं करना पड़ा करीब ही था यार।
ओके चलते हैं भाई। सो खतरनाक, इसको हार्ड डिफिकल्टी में खेलने मजा आएगा। एनवायरनमेंट A2। अच्छा अरे अरे, मुझे लगा यहाँ पर स्टेयर्स है, बट नहीं। टूट, यहाँ पर काफी सारा कलेक्टेबल्स है यार। गो, नाइस, बहुत कुछ आ गया मेरे पास। ओ, ये कौन है? अरे ऐसा लग रहा है पीपा के आया, यहाँ पर लड़ने के लिए आया। पैन फोड़ कतई जहर, कॉमेडी ओपी। अबे ओके नाइस। ओ मुझे घुमाना है। ओ शूट, ये कुछ नया है। भस्म इन द जैक बॉयज गेम। लीव इट टू मी, गॉट इट। ओके नाइस, यहीं पर आना था ना। ओ नहीं, यहाँ पर खत्म। ये लोग, अरे ये लोग फिर इनविजिबल वाला मूव कर रहे हैं। काफी गलत है, काफी गलत है, काफी गलत है। पैंड फोर्ड कास्टिंग, इसका जो किक है वो काफी गलत है। होल्ड करके रख रहा है मेरे को। ओहो ओके नाइस, टीम वर्क वाला मूव भी दिया हमने। शूट, उसने किक दे दिया मुझे लास्ट मोमेंट पर। हमारे बंदा डाउन भी है। अबे नहीं, ये लोग इतना आसानी से देते नहीं भाई, तुम्हें मारने का मौका वही कहना चाहूंगा। बच गया मैं, नाइस। ओह शिट, ये सांड खत्म कर देगा मेरे को। हो सके बिहाइंड से अटैक करने का है एंड टीम वर्क करने का है। खत्म ये। ओह शूट, ये इसकी नगरी जो भी इसका काला पानी है। पैंड से की बोर्ड, ओह शूट, मैं इसके फ्रेंड पे था। अरे नहीं, मुझे फ्रेंड पे नहीं रहना है। एंड खास कर ये जो फ्रिकिंग टैं 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 बड़ा दिमाग खराब करता है। ओ भाई साहब, बंदे ने चार्ज खतरनाक किया था। डूड, इसकी बॉडी काफी आर्मर्ड है। ओह नाइस, गिर गया वो। अरे क्या बात है, यही तो बनता था ना भाई। ओके खत्म खत्म, फुली सेटिंग। अच्छा अच्छा, इंक्रीज एक्सपी, नाइस। डूड घोड़े के साथ इनविजिबल वाले अंडे आए थे, फिर वो रोला अपना ब्लेड मारते थे भाई सब, जो कि उनके पैरों में फ्रिकिंग ब्लेड लगे रहते थे ऐसा लगता है। तो ये टोटली, ये जो विलन है मुझे डेविल मक्रे याद दिला रहे हैं, बहुत सही है। जो कि ओके, मैं जाना क्या यार, मैं भटक गया हूँ क्या? लाइक बंदे मिल रहे हैं तो जिसका मतलब ये है कि मैं सही जा रहा हूँ। ओके तो मुझे यहीं से जाना है, बट यहाँ से कहाँ? यस आई गेस हम पहुँच गए। क्या फाइनली हमें सब कटसीन मिल सकता है? Maybe नहीं। इस गेम में कटसीन नहीं है। How's going? Yeah. Hey. Maybe इन्होंने कटसीन सारा मेन गेम के लिए रखा है, हो सकता है। Good instincts, Yuito. I'm getting other readings nearby. No. It's doing. This is a major other. Captain Sugumi, a major other has appeared at the objective. Major others are others that have killed OSF members in the past. Captain! It'll take a few minutes for the rest of the teams to arrive. This may be rough for rookies, but hold out. Major, कोई आ रहा है, मैं कहना चाहूंगा मुझे। Okay, finally some cutscene! चिल्लाने कह रहे हो भाई! Okay, nice. Okay, तो बॉस के प्रमोशन के लिए, by the way. I mean, बॉस के एंट्री के लिए। Hanabi,
Let's go! Hanabi! Okay. I'm ready! Let's fucking go! Okay, nice. So guys, yahan par I guess hamare pehla boss hai. Oh, bad fucking boss. Mujhe careful rehna padega yaar. Yes, dikhi lag raha hai. Oh, ye launch bhi karta hai. Obviously, isse hame bach ke karna padega. By the way, dodge kyun nahi kar raha hai? Okay, nice. Use your psychokinesis to slam it down on his head. Psychokinesis? Okay, here we go. I can do that, buddy. LT to slam it. Okay, samajh gaya main. तो जितना हो सके गाइस दिख रहा है आपको. ओ कर ले बात. ओके मैं समझ रहा हूँ क्या करना है. साइकोकिनेसिस. ओके वी गो. परफेक्ट. तो बस को नीचे कैसे गिराऊं मैं. फॉल डाउन द सीलिंग एंड स्लैम इट इनटू द. ओके उसको पहले मुझे आई गेस मुझे अपनी तरफ लेके आना है. मे बी ये सीन हो सकता है. अरे नहीं ये काम क्यों नहीं कर रहा है. एल टी मुझे दिखा रहा है सीलिंग विद स्लैम इट. और यहाँ पर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है. मुझे स्लैम करने बोला है इस गेम ने बट मुझे नहीं पता कैसे. तो गाइस यहाँ पर बोला तो है मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या यार. पायरोकिनेसिस. कौन सा काम करेगा ये. कुछ में भी काम नहीं कर रहा है मुझे कहना पड़ेगा. लेकिन मैं इसको खींच नहीं पा रहा हूँ नीचे. ओके नाइस वो आ रहा है. आई गेस वो आया बट फिर भी काम नहीं कर रहा है. कहीं मुझे कहना पड़ेगा कि एलटी वाला जो दिखा रहा है यहाँ पर जिसको बोला है नीचे लाने के लिए. मे बी और भी जगह हो जो मैं कर सकता हूँ. वेट नीचे. मे बी ये हो पॉसिबल. मे बी कुछ सब यहाँ पर दिखा रहे हैं कुछ नहीं कर सकता मैं. व्हाट द हेल डिड. ओके नाइस हियर वी गो. जब ये गिरता है ऐसे उसके अटैक करने गए. ओके वी गो. डूड वो जल रहा है भस्म हो रहे. अरे भाई कस के शहर से परफेक्ट तो ऐसे भस्म हो रहे कैसे. Okay, here we go. तो गाइस एक और बार अगर वही चीज करता है बूम बैम बीम दोस्तों हमें यहाँ पर इसको इसके ऊपर एक और बार गिराना है. सेम चीज करनी है. तो गाइस ये हम कर सकते हैं. दैट्स इजी. लेट्स गो. उसको बस जंप करने का है. बस ये वहीं पर जंप करे जहाँ पर मैं चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल बॉयज एंड गर्ल्स आपने देखा कुछ ही देर पहले यहाँ पर कितने बेहतरीन तरीके से बंदा ने जंप करा. कम ऑन जंप करने का पैंट पोड. ओहो कर ले बात. बच गया मैं. ये जंप करने वाला. ओहो ये जंप नहीं गया इसने उल्टा यहाँ पर लॉन्च करा. ओ दो एक उसे जंप किया. नाइस इजी. यही मांगता था इसने. हमें मौका दे दिया. हियर वी गो हियर वी गो हियर वी गो. थोड़ा सा हेल्थ बचा है बॉयज इन फ्रिकिंग गेल्स. यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ बचा है. इसको खेल खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं है. इसका खेल खत्म होने वाला है बॉयज इन गेल्स. मुझे लगता नहीं ज्यादा सर्वाइव करने वाला है. दैट्स फ्रिकिंग ग्रेट बड़ी. बस मुझे चीज़ें फेंकने को मिल जाए यार. ओहो कर ले बात. पेट्रोलियम गैस वॉट सब बड़ी. नाइस नीज. क्या फिनिश दे सकता हूँ मैं. कम ऑन फिनिश दे नहीं गए. कम ऑन वेरी. डिड वी डू इट. आर यू ओके. All of you, stay back or you'll get hurt. Oh, koi Leva hai. Mujhe lag raha hai par Captain Leva hai from Attack on Titan. Obviously, woh nahi hai main kehna chahunga. Badi Captain hai. Nice. Ek aur cut scene, dude.
मेडिसिन कम है इसमें, गेम में भी नहीं, फुल गेम ऐसा ना हो। क्या बात है, क्या सेटिस्फेक्शन है इसको बाहर के, खत्म क्या रसगुल्ला खिलाओ रे भाई कोई। बहुत सही, परफेक्ट डूड। The hero of this fight is, of course, Private Yuito Sumeragi, who took down a major other on his first assignment. Media. Congratulations, Private Sumeragi. Let's hear from him. Thanks. How do you feel? I'm glad we were able to defeat the other. Your first victory on your first deployment. Was it satisfying? I can't answer you very well myself. Please, ask the commander. Septentrion 7th class, Captain Seto Narukami. How did Private Sumeragi do? Both Yuito and Hanabi fought very well. The fact that Private Sumeragi was put under your command, Captain, must mean that the top brass thinks highly of you. That's something you'll have to ask my superiors about. We're pulling out. The mission doesn't end until we get to Suo. Keep your eyes open. Understood. तो गाइज मैंने वो इसलिए काट था बिकॉज ऑफ कॉपीराइटेड टाइम। गाइज अगर आप सुनना चाहते हो उस गाने को जो कि बहुत बेहतरीन है, ओरल सिगरेट ने यहाँ पर ऑब्वियसली उसको गाया है एंड बेहतरीन परफॉर्म किया है। सो गाइज अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पर चेकआउट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता उसके यहाँ पर। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इन्जॉय करा इस डेमो को, बिकॉज मैंने इन्जॉय करा। ऑब्वियसली गाइज इन्होंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, मैं ज़्यादा कटसीन भी नहीं देखे, इन्होंने कटसीन काफ़ी कम दिखाया है जो कि मुझे देख रहा था, बट कोई बात नहीं, हमने देखा बहुत कुछ। एंड अगर मैं बताऊँ अपनी बात बताऊँ मैं मुझे कैसा लगा ये गेम, तो या मुझे मज़ा आया, ऑब्वियसली मज़ा आया। ऐसा कॉम्बैट बहुत कूल था एंड गाइस यूनिक था, ऐसा कॉम्बैट मैंने देखा नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसके करीब, इसके क्लोज जो आ सकता है कॉम्बैट जो मैंने देखा है अब तक, वो डेविल मे क्राई में जब वी रहता है वो कहीं ना कहीं ऐसे लड़ाई करता है, तो कहीं ना कहीं वो इसी से इंस्पायर्ड है मे बी, आई डोंट नो मैन, बट मज़ा आया देख के, बहुत मज़ा आया। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उतना इन्जॉय किया जितना मैंने करा। अगर आपने करा है डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, परफेक्ट हो रहा। आप तरीके से मिलते हैं दूसरे फ्रिकिंग एपिसोड में से के साथ।